हेलो एवरीवन, आज मैं एक न्यू कोरियन पीरियड सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लव इज़ लाइक ए किड। ये कहानी एक सुपरस्टार पियानो की है जो बचपन के एक इंसिडेंट की वजह से डॉग से बहुत ही ज़्यादा डरता है। और जब पियानो की मुलाकात एक डॉग किंडरगार्टन के प्रोड्यूसर देबायोल से होगी तो इन दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और इन दोनों के बीच लव की स्टार्टिंग कैसे होगी, यह सब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज मैं आपके साथ इसका एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर कर रही हूँ। आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बाइक राइडर को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और वह बाइक राइडर वहाँ पर आ जाता है और फिर वह अपनी बाइक से उतर के वहाँ पर फाइटिंग सीन करने लगता है जो कि बिल्कुल एक फिल्मी हीरो की तरह लग रहे थे। ये सब देखकर वो लोग हंसने लगते हैं और फिर वह उन्हें मारने के लिए उसके पास आते हैं तो वह बाइक राइडर बिल्कुल एक साउथ के हीरो की तरह उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मारता है और फिर वह बाइक राइडर अपना हेलमेट निकालता है और ये हमारी कहानी का फर्स्ट फ्रेंड पियानो है। पियानो को देख वह लड़की तो अपने होश ही खो बैठती है और पियानो फिर उस लड़के के पास आता है और उसे खोने लगता है। वह लड़की पियानो से कहती है, मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू। पियानो वहाँ से जाने लगता है तो वह लड़की पियानो से कहती है, एटलीस्ट तुम मुझे अपना नाम तो बता सकते हो। तो पियानो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर पियानो अपना सूट कर रहा था। पियानो का मैनेजर उसके पास आता है और उससे कहता है, आज तो तुमने बहुत ही अमेजिंग किया है और तुम्हारा फाइटिंग सीन ये तो बहुत ही अच्छा था। पियानो का असिस्टेंट मैनेजर से कहता है, इससे कोरियन अच्छे से समझ में आती है। तो इस पर मैनेजर कहता है, हाँ और इस चीज़ को लेकर तो मैं भी हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। लेकिन फिर वह असिस्टेंट से कहता है, लेकिन तुम थाई कैसे समझते हो। असिस्टेंट कहता है, मेरी कंपनी में हमें थाई लैंग्वेज सिखाई जाती है इसलिए मैं अच्छे से थाई लैंग्वेज समझ सकता हूँ। पियानो तभी कहता है, आज का सूट खत्म हो गया। और यह कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है तो यह देखकर मैनेजर कहता है, ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, इसमें तो दिल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरी तरफ हमें हमारे सेकेंड मेन लीड देबायोल को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। जिमिन उनके पास फूड लेकर आता है, वो लोग उसी की तरफ देख रहे थे तो जिमिन कहता है, ये अच्छा तो दिख रहा है। तो इस पर जुन कहता है, हाँ अच्छा है लेकिन तुम्हारा आउटफिट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम हमेशा कंफर्टेबल क्लोथ पहना करो। जिमिन कहता है, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है और इन कपड़ों में मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिप्रेस फील करता हूँ। यह सुनकर देबायोल कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तो इस पर जिमिन कहता है, नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। यह सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, इसे टीच करके कितना ज़्यादा मजा आता है। और तभी जिमिन देबायोल को उसके पिल्स देता है, उन्हें देखकर देबायोल थोड़ा सा टेंस नज़र आता है तो यह देखकर जुन उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास अभी मनी नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इस पर देबायोल कहता है, डोंट वेरी मैं सब कुछ अपने आप देख लूँगा। और फिर वह अपने बालों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मुझे अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेना चाहिए और क्या मुझे अपने बालों को सूट कर लेना चाहिए। तो इस पर जुन उसके बालों को रफल करता है और कहता है, तुम जो भी स्टाइल करो तुम उनमें अच्छे ही दिखते हो तो तुम जो करना चाहे वो कर सकते हो। यह सुनकर देबायोल कहता है, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मेरे लिए डिसाइड करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिमिन उन दोनों की इतनी क्लोजनेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था और यहाँ पता चलता है कि जिमिन जुन को पसंद करता है। और फिर वह उन दोनों से कहता है, खाना ठंडा हो रहा है। और यह कहते हुए फिर वह खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ पियानो जब अपनी शूटिंग से लौट रहा था तभी रास्ते में उन्हें एक टोकी मिल जाता है। पियानो उसे देखने जाता है लेकिन वह दूर से ही देख रहा था क्योंकि पियानो को टोकी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और फिर वह अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या ये मर गया। असिस्टेंट कहता है, नहीं ये अभी तक जिंदा है और लगता है कि इसके ओनर ने इसे यहाँ पर छोड़ दिया है। यह सुनकर पियानो असिस्टेंट से कहता है, तुम इसे कार में बिठा दो। यह सुनकर असिस्टेंट तो शॉक हो जाता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, आप डॉग को कार में बिठाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप कभी भी डॉग के साथ कार में एक साथ नहीं जा सकते क्योंकि आप तो एनिमल्स के पास भी नहीं जाते। यह सुनकर पियानो कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से।
तुम यहाँ पर कार रोक के क्यों? असिस्टेंट कहता है, वो तो बस मैंने डॉग को देखा इसलिए मैंने कार रोक दी। लेकिन आप मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको नहीं कहा कि आप डॉग को लेकर चले? तो यहाँ सुनकर पियानो कहता है, अब ये बकवास करना बंद करो और इसे कार में लेकर चलो। तो असिस्टेंट यहाँ सुनकर फिर उस डॉगी को उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं असिस्टेंट डॉगी को एक एनिमल हॉस्पिटल लेकर आता है। दूसरी तरफ पियानो को दिखाते हैं जो कि रोड पर पैदल चल रहा था और तभी उसके पास एक गाड़ी आ जाती है और फिर पियानो वहाँ से अपनी बाइक लेता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें देवायल को दिखाया जाता है जो कि अपनी डॉगी टॉम को हॉस्पिटल लेकर आता है। अर्जुन के पास आकर कहता है बहुत सीरियस मैटर है। जिन ओके कहता है और फिर वह उसे अंदर लेकर चला जाता है। देवायल बाहर बेटा वेट कर रहा था और तभी उसकी नज़र एक डॉगी पर पड़ती है जिसको पियानो ने रेस्क्यू किया था। देवायल उसी की तरफ देख ही रहा था और तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और फिर वह देवायल को टॉम की सारी कंडीशन बताता है और उसे बताता है कि उसने शायद रेड पॉइजन खा लिया जिसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इस पर देवायल ओके कहता है और फिर वह उस डॉगी की तरफ देख कर स्माइल करता है। दूसरी तरफ पियानो को दिखाते हैं जो कि अपने मैनेजर के साथ था। मैनेजर पियानो को बताता है डायरेक्टर बूम की न्यू मूवी एक ग्लोबल प्रोजेक्ट होने वाली है जिसे बर्लिन मूवी फेस्टिवल में भी भेजा जाएगा और इसलिए मैंने तुम्हारा नाम मेन लीड एक्टर के रूप में सजेस्ट किया है, लेकिन वह तुम्हें पर्सनली मिलना चाहते हैं। मैनेजर यह कहते हुए एक साय करता है। तो इस पर पियानो कहता है अब साय क्यों करें? मैनेजर कहता है मेन लीड एक्टर एक पोइट है जिसके बहुत सारे डिजीज हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी हालत में इस रोल को करो, लेकिन डायरेक्टर का कहना है कि तुम्हारी इमेज उस रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, इसलिए मैंने उनसे कहा है कि अगर वो तुमसे मिलेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि तुम कितने ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म हार्ट पर्सन हो। यह सुनकर पियानो कहता है आपने उनसे झूठ क्यों बोला? मैनेजर कहता है मैं तो बस अपना बेस्ट ट्राई करना चाहता था, वैसे भी तुम तो हर रोल कर लेते हो। तो इस पर पियानो कहता है तो फिर मुझे यही रोल करने की क्यों ज़रूरत है? इस पर मैनेजर कहता है मैंने तुम्हें बताया ना ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है और अगर तुम ये मूवी करोगे तो हो सकता है कि बर्लिन मूवी फेस्टिवल में तुम्हें बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड मिल जाए, तो इससे तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और इन सबसे हमें भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्टर एक पोइट है और पोइट हमेशा अपनी लाइफ की लास्ट पोइम उस वुमन पर लिखता है जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और अगर तुम्हें ये रोल मिल गया तो तुम्हारी इमेज तो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और तुम जैकपॉट हिट कर लोगे। पियानो कहता है ठीक है तो फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर पियानो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या अभी भी ऐसा लव एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा लव जिसमें एक पर्सन अपने लव के लिए सब कुछ रिस्क में डालने के लिए तैयार है? तो इस पर पियानो कहता है ऐसा लव कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ये सब तो बस मूवीज में होता है। इस पर मैनेजर कहता है ठीक है वैसे डायरेक्टर आते ही होंगे तो प्लीज़ जितना हो सके तुम उनके साथ जेंटल रहना। और तभी वहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाते हैं और उनके बीच क्या बातें होती है ये हमें नहीं बताया जाता। नेक्स्ट सीन में हमें पियानो को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रहा था और तभी उसके पास एक पर्सन का कॉल आता है। वह पर्सन पियानो से कहता है आज तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा और मैं जानता हूँ तुम कोरियन समझ सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनो, अगर तुमने आज फिर से मुझे अवॉइड किया तो फिर मैं तुम्हारी हर चीज़ को एक्सपोज कर दूंगा। यह सुनकर पियानो कहता है ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो इस पर वह पर्सन कहता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कार भेज देता हूँ। इस पर पियानो कहता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और यह कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। वह पर्सन अपनी सेक्रेटरी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या वह आज आएगा? सेक्रेटरी कहती है वह अपने शब्दों का पक्का है। तो इस पर वह पर्सन कहता है उसका यहाँ पर आना ही बेहतर होगा और यह कहते हुए वह एक फोटो की तरफ देखता है जिसमें एक लेडी और एक छोटा सा बॉय था। दूसरी तरफ हमें देवायल को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और फिर वह उसके काम करने लगता है। अर्जुन बाहर खड़ा बस देवायल को ही दिख रहा था और वह देखकर उसे मुस्कुराने लगता है और फिर वह जिमिन के पास जाता है और उससे कॉफ़ी लेता है और तभी जिन की नज़र देवायल के बिल्स पर पड़ जाती है तो वह उन्हें ले लेता है और फिर वह जिमिन से कॉफ़ी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जिन जब बाहर आता है तो देवायल जिन से कहता है कि वह आज टॉम को देखने के लिए आएगा।
तो स्पर्जिन ओके कहता है और फिर वह देवायल को देख कर सोचने लगता है ये कितना चेयरफुल लग रहा है जो कि अपने हॉस्पिटल के बिल भी पे नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पियानो को दिखाया जाता है जो कि रेडी होता है और अपनी असिस्टेंट से कार की मांगता है। तो इस पर असिस्टेंट कहता है आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो इस पर पियानो कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है तो मुझे अकेले ही जाना होगा। असिस्टेंट कहता है लेकिन मैं आपको लेकर चला जाऊंगा, आपकी कार बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इस पर पियानो कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेले ही जाना होगा, तुम बस रेस्ट करो। और ये कहते हुए वह कार कीज लेता है और फिर वह असिस्टेंट से कहता है तुमने उस डॉगी को जिस हॉस्पिटल में रखा था उसका मेरे पास एड्रेस सेंड कर देना, मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। तो इस पर असिस्टेंट कहता है हम दोनों साथ में चलते हैं। तो इस पर पियानो कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे एड्रेस सेंड कर देना। और यह कहते हुए मैं वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जुन को दिखाते हैं जो कि अपने हॉस्पिटल आता है और जब वह कार से निकलता है तो दो नर्स उसे देखकर बातें करने लगती है। एक नर्स कहती है जब वह कार से अपने ट्रम्पलर के साथ निकलता है तो वह कितना ज़्यादा सेक्सी लगता है और उसकी नेक लाइन, वो उसे देख कर तो मेरा दिल तो फट ही जाएगा। और तभी वहाँ पर जुन आ जाता है और वह एक नर्स को देवायल के पिल्स देता है। तो वह नर्स उन्हें देख कर कहती है ये तो उस डॉग कैफे के है ना? तो इस पर देवायल हाँ कहता है। तो वह नर्स कहती है आप फिर से उसकी मदद करने वाले हैं? तो इस पर देवायल कहता है हाँ, और यही अच्छे फ्रेंड होने की निशानी है। दूसरी तरफ हमें पियानो को दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन से मिलने के लिए चला जाता है। वह पर्सन पियानो को देखते ही उसे हक कर लेता है और फिर उससे कहता है तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखते हो। यह सुनकर पियानो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वह पर्सन पियानो से कहता है मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझसे बहुत नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ ब्रेकअप कर लिया था। तो इस पर पियानो कहता है ब्रेकअप? आपने मेरी मॉम का एक टॉय की तरह इस्तेमाल किया और जब आप बोर हो गए तो आपने उन्हें फेंक दिया। तो इस पर वह पर्सन कहता है नहीं, ये सच नहीं है। तो इस पर पियानो कहता है मेरी मॉम ने आपका कितने दिनों तक इंतजार किया, वह आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से वह रोती थी और आपका इंतजार करते करते वह एक दिन मर भी गई। क्या आपको कभी भी इस चीज़ का कोई आइडिया है? क्या सुनकर वह पर्सन कहता है लेकिन मेरे पास यहाँ पर लौटने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, मेरी वाइफ बीमार हो चुकी थी, उन्हें लंग कैंसर था और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ये सब पता चला और उसके बाद मैं कभी भी वापस थाईलैंड नहीं जा पाया। तो इस पर पियानो कहता है मुझे आपके बहाने नहीं सुनने। वह पर्सन कहता है मेरी वाइफ के फ्यूनरल के बाद मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें संभालनी थी लेकिन कुछ महीने बाद मैं तुमसे मिलने के लिए चेन्नई गया था लेकिन वहाँ जाने पर मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारी मॉम तो वहाँ पर रहते ही नहीं हो। तुम्हारे नेबर ने बताया कि तुम लोग बैंकॉक गए थे इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर गया लेकिन मुझे तुम दोनों कहीं पर भी नहीं मिले। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह पर्सन पियानो का डैड है। पियानो यह सब सुनकर कहता है आप झूठ बोल रहे हैं और मुझे आप पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। डैड कहते हैं क्या तुम मुझे कुछ वक्त नहीं दे सकते? बस मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं सब कुछ साबित कर दूंगा। पियानो यह सुनकर कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और आज मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए आया हूँ और बस मैं ये देखना चाहता था कौन है जिसने मुझे और मेरी मॉम को छोड़ दिया था। यह सुनकर डैड कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा फादर होने के नाते बस ख्याल रखूँगा। यह सुनकर पियानो कहता है अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा और मुझे अब जैसे फादर की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए पियानो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मैनेजर को एक प्रोड्यूसर के साथ दिखाया जाता है जो कि टूबी टूबी जॉब नाम का एक वैरायटी शो चलाती थी और वह मैनेजर से कहती है कि हम मिस्टर पियानो को हमारे शो में चाहते हैं। तो इस पर मैनेजर कहता है मैं यकीन से नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए उससे पूछना होगा क्योंकि वह बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी इमेज इस वैरायटी शो के लिए सूट होगी। प्रोड्यूसर मैनेजर से कहती है हम उनकी इमेज का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और अगर वो हमारे वैरायटी शो में जाते हैं तो मिस्टर पियानो को और भी ज़्यादा कोरियन फैंस मिलने वाले हैं
तो उस पर मैनेजर कहता है लोग उसके ग्रीडी होने और उसके एक्टर बनने पे ऑलरेडी उसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। प्रोड्यूसर कहती है तो क्या आप हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं? इस पर मैनेजर कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, बस मुझे एक बार पियानो से इस बारे में पूछना होगा। प्रोड्यूसर कहती है हमारे पास ऐसा कार्ड है जिससे मिस्टर पियानो कभी भी हमारे ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर तो मैनेजर काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पियानो को दिखाया जाता है जो कि उस टोबी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, और तभी एक गर्ल अपने एक टोबी को लेकर आ रही थी, और जब पियानो उस टोबी को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है, और उसी वक्त वहाँ पर देवाल भी आ जाता है। देवाल जब यह देखता है तो वह उस गर्ल के पास आ जाता है, वह टोबी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो देवाल उसे कंसोल करने लगता है। यह देख कर पियानो तो काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है। देवाल फिर पियानो से कहता है अगर तुम डॉगी इसको परेशान नहीं करोगे तो वह तुम्हें कभी भी बाइट नहीं करेंगे। पियानो कहता है हर डॉग बाइट करता है, और तभी वहाँ पर जुन भी आ जाता है और वह पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इस पर देवाल कहता है लगता है कि यह डॉग से डरता है, और तभी वहाँ से पियानो भाग जाता है। पियानो को देख कर एक नर्स कहती है इस मैन को तो मैंने पहले कभी देखा है। तभी दूसरी कहती है ये एक आइडल था और अब ये एक एक्टर है। यह सुनकर जुन कहता है ये तो बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह दिखता है, तो फिर ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्यों आया था? तो इस पर नर्स कहती है हो सकता है कि ये एक डॉग को अडोप्ट करने के लिए आए हो, क्योंकि आजकल सेलिब्रिटीज डॉग को अडोप्ट कर रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है। देवाल कहता है सेलिब्रिटी हुआ तो क्या हुआ, तो इसका मतलब उन लोगों को पास मिल गया कि वह एनिमल्स को अब्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पियानो को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की पिक लेकर बैठा था, और कहता है मॉम मैं कभी भी उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग पियानो जब अपने मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर बताता है कि डायरेक्टर बोंग ने कहा है कि तुम्हारी इमेज मेरे कैरेक्टर के लिए सूट नहीं होती, तो क्या वह एक वेराइटी शूट ट्राई कर सकता है? तो इस पर पियानो कहता है नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैनेजर कहता है डुबी डुबी जोक नाम का एक वैरायटी शो है, और कल उसकी हेड प्रोफेसर खुद तुम्हारे लिए यहाँ पर पूछने के लिए आई थी। तो इस पर पियानो कहता है मैंने आपसे कहा ना कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इस पर मैनेजर कहता है इसीलिए तो मैंने उनसे कह दिया था कि तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें उनके शो में जाना ही होगा, अगर तुम नहीं गए तो तुम प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो इस पर पियानो कहता है कैसी प्रॉब्लम? तो इस पर मैनेजर कहता है उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो इस पर पियानो कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैनेजर कहता है नहीं, मेरा मतलब है कि उसने स्कैंडल के बारे में कहा, और उसने कहा कि यह उसका सीक्रेट वेपन है। यह सुनकर पियानो कहता है वह मुझसे क्या करवाना चाहती है? मैनेजर कहता है वो बस तुम्हें अपने शो में चाहती है। पियानो कहता है और अगर मैंने हाँ कह दिया तो क्या होगा? इस पर मैनेजर कहता है उसने कहा कि फिर वह तुम्हारे स्कैंडल को पा नहीं लाएगी, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।